हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर डीएसएस ऑनलाइन क्लासेस। आई एम सरिता तिवारी, योर मैथ्स टीचर। वी आर स्टडिंग लेसन नंबर 7, कैन यू सी द पैटर्न। इन दिस वीडियो वी विल लर्न नंबर पैटर्न्स, नंबर एंड नंबर्स। पेज नंबर, ऑन पेज नंबर 105 पेज नंबर पे हम नंबर एंड नंबर्स पैटर्न को देखेंगे। ये देखिए, नीचे कुछ नंबर पैटर्न्स दिए हैं। ये नंबर्स दिए हैं 24 प्लस 19 प्लस 37 इज इक्वल टू 37 प्लस 24 प्लस 19। ये हमारे नंबर पैटर्न्स हैं। ये नंबर्स दिए हैं इज इक्वल ये नंबर्स दिए हैं। ये दोनों नंबर एक दूसरे के बराबर हैं, है कि नहीं है, देखते हैं। 215 प्लस 120 प्लस 600 इज इक्वल टू 600 प्लस 215 प्लस 120। अब हम देखिए, यहाँ पे नंबर है, ये देखिए कुछ शेप्स भी दिए हैं, शेप में बने हैं। जैसे यहाँ 24 है या 19 है या 37 है, या 37 है या 24 है या 19 है। नंबर देखिए सेम है, सिर्फ इनके ऑर्डर्स चेंज है। जैसे ये स्टार में 24 बना है, ये नंबर 1 पे 24 है और यहाँ नंबर 2 पे 24 है। यहाँ 19 नंबर 2 पे है और यहाँ पे नंबर 3 पर है। ये 37 नंबर 3 पर है और यहाँ पर नंबर 1 पे है। सेम इसी तरह से ये 215 प्लस 120 प्लस 600 इज इक्वल टू 600 प्लस 215 प्लस 120। इनमें भी सेम नंबर्स हैं, बस उनके सीक्वेंस चेंज हो गए हैं। यहाँ पे 215 फर्स्ट नंबर पे है, यहाँ मिडिल में है, सेकंड नंबर में है। यहाँ 120 सेकंड नंबर पे है, यहाँ थर्ड नंबर पे है। यहाँ 600 थर्ड नंबर पे है, यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे है। तो नंबर दोनों तरफ सेम है, लेकिन उनके ऑर्डर्स चेंज हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है, आर दे इक्वल, क्या ये इक्वल है? यस, बोथ आर इक्वल बिकॉज वी एडिंग सेम नंबर ऑन बोथ साइड्स, ओनली देयर ऑर्डर विल चेंज। यानी नंबर तो सेम है दोनों तरफ, हम दोनों तरफ के सेम नंबरों को ऐड कर रहे हैं, बस इनके जो ऑर्डर हैं वो चेंज हुए हैं। अब ये 24 प्लस 19 प्लस 37 ये भी 80 होता है, और 37, 24 और 19 ये भी 80 होता है। 215, 120 एंड 600 भी 935 होगा, और 600, 215 और 120 भी 935 होगा। तो ये दोनों इक्वल हैं, बोथ आर इक्वल। फिल इन द ब्लैंक्स स्पेसेस इन द सेम वे। ये जो नीचे ब्लैंक्स हैं इनको फिल करना है, और इसी वे सेम इसी वे में हमको फिल करना है। ए है, यहाँ 14 है, प्लस डैश इज इक्वल टू 34 प्लस 14 प्लस 20। हमको यहाँ दो नंबर खाली दिए हैं, फिल करना है इनको, ब्लैंक्स को हमको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, और ये नंबर है हमारे पास। तो देखिए, ये स्टार में 14 बना है, यहाँ 14 बना है। अब हम क्या करते हैं, ये 20 है, इसको हम यहाँ बीच में ले आते हैं। ये 20 हमने सर्किल बनाया, सर्किल में 20 है, यहाँ हमने 20 लिख दिया। प्लस ये 34, ये हमारा स्क्वायर में हमने 34 बनाया, ये 34 लिख दिया। 14 प्लस 20 प्लस 34 इज इक्वल टू 34 प्लस 14 प्लस 20। सेम इसी वे में हमने इसको भी फिल कर दिया है। अब हमारा है यहाँ पर डैश प्लस 42 प्लस डैश इज इक्वल टू 65 प्लस डैश प्लस 80। अब ये हमारा जो नंबर है इसको हमको फिल करना है। अब ये जो 80 है हम ले आते हैं, यहाँ पर हम सेम इसी तरह का शेप बना रहे हैं, इसी तरह का शेप बनाएंगे, और इसमें हमने यहाँ पे ये 80 लिख दिया है। 80 प्लस 42, और ये जो हमारा स्क्वायर में 65 है, हम स्क्वायर में 65 लिख दे रहे हैं। ये हमारा 65 हो गया। अब यहाँ पर 65 है प्लस डैश, डैश में हमारा ये देखिए आप 42 बना हुआ है, यहाँ पर फ्लावर्स वाले शेप में बना है, तो हम फ्लावर्स वाला शेप बनाते हैं और यहाँ पे 42 लिख दे रहे हैं। तो 80 प्लस 42 प्लस 65 इज इक्वल टू 65 प्लस 42 प्लस 80। ये
सेम हमारा हो गया, सेम इसी तरह से इस ऊपर वाले पैटर्न की तरह से ही हमारा नीचे वाला पैटर्न भी तैयार हो रहा है। फिर यह है 200 प्लस 300 प्लस डैश इज इक्वल टू डैश प्लस 400 प्लस डैश। यहाँ पे ये दो नंबर दिए हैं, यहाँ एक खाली जगह दी है, यहाँ पे दो खाली जगह दिए, एक नंबर दिया है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो हमारा 400 है यहाँ पे हम सेम इसी तरह का शेप बनाते हैं, ये शेप बनाया और यहाँ हमने 400 लिख दिया, ये हमारा 400 हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम ये 300 वाला शेप बना लेते हैं, ये इस तरह से इस तरह से इस तरह से जो शेप बना हुआ है सेम आप इसी तरह का शेप बनाएंगे जैसे ये बना है, और ये 300 हमने यहाँ लिख लिया, और ये जो 200 है यहाँ पर हम सबसे लास्ट में ऐसा ही शेप बनाते हुए जैसा ये है ऐसा ही शेप बनाते हुए यहाँ पर हम 200 लिख लेते हैं। अब देखिए सी वाला जो पैटर्न है वो भी हमारा हो गया 200 प्लस 300 प्लस 400 इज इक्वल टू 300 प्लस 400 प्लस 200, सेम इसी तरह का हो गया, नंबर सेम है बस उनके ऑर्डर्स चेंज हो गए हैं। अब यहाँ पर कोई भी शेप नहीं दिया है, कोई नंबर नहीं दिया है, तो इसको हम अपने मन से तैयार कर लेते हैं। हम तैयार कर लेते हैं, हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, ट्रायंगल में हमने लिख लिया 10 प्लस हम एक स्क्वायर बना लेते हैं उसमें लिख लिया 40 और एक सर्कल बना लिया हमने और उसमें लिख लिया 50 इज इक्वल टू एक सर्किल बना लेते हैं हम उसमें लिख लेते हैं 50, एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम उसमें लिखते हैं 10 प्लस एक स्क्वायर बनाकर उसमें हम लिखते हैं 40, ये हमने लिख लिया। अब देखिए 10 प्लस 40 प्लस 50 इज इक्वल टू 50 प्लस 10 प्लस 40, सेम नंबर है बस उनके ऑर्डर्स चेंज हैं। तो हम क्या करेंगे, अब हम इनको भी ऐड करेंगे, दोनों इक्वली होंगे जैसे अभी हमने ऊपर ऐड करके देखा, ऐसे जिनको भी हम यहाँ दोनों किसी भी एक पैटर्न को उठाकर जब हम ऐड करेंगे तो वो दोनों सेम ही होंगे। अब यह है नाउ लुक एट दिस, 48 इंटू 13 इज इक्वल टू 38 इंटू 48, यानी 48 मल्टीप्लाई बाय 13 इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई बाय 48, चेक इफ इट इज ट्रू और नॉट, हमको चेक करना है कि ये सच सही है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 48 को 13 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 624, और 13 को भी हम 48 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 624। तो ये ट्रू है कि नहीं है, दिस इट इज ट्रू और नॉट, यस इट इज ट्रू, यस इट इज ट्रू। तो ये नंबर पैटर्न्स हैं, किसी भी अरेंजमेंट में सीक्वेंस में जो भी नंबर्स हैं वो रखे हुए हैं उसके अकॉर्डिंग ये सारा हमारा पैटर्न तैयार हुआ है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।